को एक बार फिर से शुरू करेंगे और ये ऋषिकेश पार्क में आज मौजूद यहाँ पर शो करते हुए आखिरी बिल्कुल चरण। और आप लोगों ने इतना बढ़िया हाल किया है मेरा कि मुझे देख के ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही रहा तो बंगाल से जाते जाते 2 मई से मैं बिल्कुल ठीक दुरुस्त हो जाऊंगा जी। जो हाँ बिल्कुल एकदम होली खेल के ही जाऊंगा और अच्छा लगता है जब आपके बीच में घूमते हैं, जब आपके बीच में बात करते हैं, आपके इश्यूज उठाते हैं, आपके इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, आपके मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, आपके टॉपिक्स जानने की कोशिश करते हैं, किस मुद्दों पे कहां कौन किस तरह से चुनाव फंसा हुआ है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी से एनालिसिस होती है, उन्हीं से चीजें निकाली जाती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज यहां पर हूं, शो कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मेरा रुख जो है अब उत्तर बंगाल की तरफ होगा और मैं कुछ बिहार तक जाऊंगा। 2 मई से कुछ एक हफ्ता पहले मैं फिर एक बार कोलकाता में लौटूंगा, कोलकाता में शो जरूर करने आऊंगा एक बार फिर से, लेकिन अब मेरा रुख उत्तर की तरफ रहेगा। मैं जरूर पूछना चाहता हूं, सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 15-15 सेकंड एक बार कांग्रेस के जो है उनको नहीं दिया मैंने टाइम, कांग्रेस कांग्रेस के जी जी जी। देखिए मेरा एक छोटा सा सवाल है बीजेपी से भी और टीएमसी से भी। मैं अच्छा बताइए आपका शत्रु कौन बड़ा, ये बड़ा है या वो बड़ा है? मेरे लिए दोनों बड़ा है। अच्छा दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाद में जिसकी सरकार बनना उसके पास आना। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग शारदा नारदा के घोटाले में जिसका स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश और दुनिया ने देखा, आखिर बीजेपी के पास कौन सा वॉशिंग मशीन है कि उनका सारा गुनाह धुल के वो साधु हो गए? कैसे, आखिर ऐसी क्या बात है? वाड्रा के पास है वॉशिंग मशीन, वाड्रा। सीबीआई तो आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पर शुभेंदु के घर में नहीं जाएगा। सीबीआई आपके पास है, पर राजीव बनर्जी के घर में नहीं जाएगा। सीबीआई मुकुल राय के पास नहीं गया, कौन बोला नहीं गया, कौन बोला नहीं गया? मेरा नाम विवेक जायसवाल है। विवेक जायसवाल साहब का विवेक, अरे सुनो सुनिए सर, विवेक जायसवाल साहब, मैं कोई फालतू बात नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ कोई फालतू बात बोलता ही नहीं बंगाल में, मैंने देखा बंगाल में सब टू दी पॉइंट बात करते, कोई फालतू बात बोलता ही नहीं है। एक मुद्दा उठाना है। हाँ उठाइए। आज से करीब एक साल पहले, अभी भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग क्या देखे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है, चाहे जहाँ वहाँ पे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी हो, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत काम आया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो अच्छा खासा पैसा लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा खराब सबका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ। तो मेरा एक बात है कि यार हम लोग के पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का जो सेक्टर है वो अच्छा, तो आप उनका निजीकरण कर रहे हैं, तो हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा? आज हम लोग का देश का वाणिज्य नेचुरल रिसोर्सेस पे टिका हुआ है, गैस है, कृषि है, और भी बहुत कुछ है, उनको तो आप निजीकरण में दे रहे हैं, तो बेनिफिट क्या हुआ पब्लिक का, पब्लिक वेलफेयर का? साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है छोटा छोटा। छोटा है, नमक रोटी चल रहा है। थैंक यू जसवाल साहब, मैं आता हूँ सर। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बस आपकी दया है। थैंक यू सो मच सर, क्या नाम है आपका? सुनील चतुर्वेदी। सुनील, एक मिनट प्लीज। अगर दादा इस तरह से नहीं होता है शो, इस तरह से मैं शो करता भी नहीं हूँ, प्लीज आप सुनिए ना। मैं जी चतुर्वेदी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश भिंड मुरैना चंबल। अरे बाप रे बाप, किस इलाके से, उसका पानी ही पी ले जो आदमी तो बिल्कुल अंदर ताकत ही ताकत आ जाती है, उस जगह की चंबल का पानी। बहरहाल चतुर्वेदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कितने सालों से कोलकाता में है? प्लीज कितने सालों से हैं? माने 100 ईयर्स हमारे फादर और वो फादर्स आपके यहाँ पे आए और सेटल हो गए। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? भी हमारी जमीन और मकान अभी भी है। हाँ है, गाँव में। हाँ। और यहाँ हम लोगों का शेयर मार्केट में बिजनेस रहा सबका। क्या बात है, वाह। एक जमाना था जब कोलकाता में सारे लोग इधर ही रुक करते थे, उत्तर भारत के ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश से, प्लीज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से सारे रुक कोलकाता में करते। दिल्ली से आदमी चलता था तो सीधे कोलकाता में ही रुकता था आके, एक वो जमाना था। लेकिन शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन की खूब गुंजाइश होती है, स्पेकुलेशन खूब किए जाते हैं। आपने भी एक कहा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको आपको पूरी आजादी है बोलने की और आपको बोलनी चाहिए। जी जी जी, इतना विकास हुआ भारतवर्ष में तो 45 इयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में क्यों है? अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल सही, ठीक सवाल है जी। पाकिस्तान हटाया, अरे गैस के दाम से 370 हटा देते तो समझ में आता महिलाओं को भला हो जाता। भारत के कारण गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, मोदी जी महिलाएं सबसे ज्यादा वोट दे रही है, महिलाएं सबसे ज्यादा वोट दे रही है। आओ पाजी, आओ आओ आओ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र।
चैलेंज जी अंदर आइए। चैलेंज जी क्या काम करते हैं? चैलेंज जी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? यस सर। कितने सालों से गाड़ी चला रहे? आलम भाई कितने सालों से गाड़ी चला रहे थे? 25 साल से। भाजी कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए टेलीविजन की? इतने ही साल। भाजी करे एक मिनट। आलम साहब अरे जनाब आप लोग भी वो लोग के तरह बन जाओगे तो फिर फायदा क्या है? सुनिए सब सुनिए उनके। अरे सुनो वो लोग के तरह आप लोग भी बन जाओ फिर। वही उनके संस्कार है। 25 सालों से गाड़ी चला रहे हैं आप? कोलकाता में ही रहते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी में कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या से? वाह क्या बात है। आप लोग प्लीज चुप रहिए। बोलिए। मेरा सिर्फ एक बात है आपके लिए। हाँ जी बस एक शायरी आपके लिए। मेरे लिए? यस सर। क्या बात है मेरे लिए एक शायरी? थोड़ा रोशनी में आओ फिर। तो शायरी तो हम रोशनी में ही सुनते हैं जी। एक मिनट। हाँ जी। न गिला करे न शिकवा करे। न गिला करे न शिकवा करे। अरे दीदी न गिला करे न शिकवा करे बस आप ऐसे ही डिबेट करते रहो यही दुआ करें। क्या बात है। और दूसरी बात हाँ। दूसरी एक शायरी देश के लिए हाँ। किस किस से करे शिकवा और किस किस से ले दुहाई हाँ हाँ। मेरे माता और पिता 70 साल भरोसा किया कांग्रेस पे दिल पे चोट खाई। जी कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है? नीलेश उपाध्याय। उपाध्याय जी कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के। बलिया के बोलिए सर। मेरा दो प्रश्न है। इस पश्चिम बंगाल में जहाँ पर अभी हम खड़े हैं जोरासाकू विधानसभा एक ब्रिज गिरा। उस ब्रिज के गिरने से करीबन 400 मजदूर श्रमिक भाई मर गए लेकिन आज तक ये टीएमसी की गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्यों नहीं ली? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि पश्चिम बंगाल में 150 से अधिक माताओं और बहनों का कोख उजड़ गया। 150 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। आज तक इस राज्य की मुख्यमंत्री जो कि एक महिला है क्या उनका एक बार भी दिल नहीं दहला उससे? क्या एक बार भी उनका यह अधिकार नहीं था कि वो जाके उन महिलाओं से पूछे? जी मैं आया जी आ रहा। नहीं इधर नहीं खड़े रहिए पहले चुपचाप जी बोलिए। अरे हम क्या बोले? बोलिए आप क्या है? हम ये बोल रहा है कि इतना बड़ा बड़ा ये लोग बात कर रहा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड बनाऊंगा वो इतना लाइट लगा दिया ये सब कर सब बना दूंगा कुछ नहीं करने पाया। नहीं देखिए दादा एक बात समझिए वो चुनी हुई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री इज्जत करनी चाहिए। ये गलत बात दादा। मैं बोल रहा हूँ सुनिए। मैं बोल रहा हूँ किसी भी मुख्यमंत्री ना गलत है। एक मिनट रुके ना जी आराम से पाजी मैं आया जी। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को गाली देती है तो उस प्रदेश का आदमी क्या सीखेगा? उस प्रदेश का चाहे तो क्या होगा वही होगा जो मंजूरी जनता होगा। जनता मान ली है दीदी काम कर रही है। और एक बात जो लोकेट चैटर्जी है वो नमाज नहीं पढ़ती थी। आप लोग धर्म का अलग अलग करते हैं हम लोग नहीं करते। हम लोग सब धर्म के लिए सब के लिए है। और इंडस्ट्री यहाँ पे 60% इंडस्ट्री बढ़ी है 10 साल में। आप एक सेकंड सुन लीजिए 2 करोड़ नौकरी तो हम लोगों को नहीं मिला 15 लाख नहीं मिला। गैस का दाम इतना बढ़ गया है। आज देखिए डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं डबल इंजन का सरकार कहाँ है? मेरा एक सवाल है बंगाल की जनता को याद होगा 2014 में मोदी जी ने कहा था आखिर कौन सा कनेक्शन है? उन्होंने कहा था दिल्ली में मैं रहूंगा और बंगाल में दीदी रहेगी। तो दीदी मोदी का कौन सा कनेक्शन है ये बता दीजिए। मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ ये मोदी जी की बात है मेरी बात नहीं है। कनेक्शन यही है कि दीदी खुद सब दलों को चिट्ठी लिख रही हैं और इनके कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि हम तृणमूल के साथ जाएंगे। आपने अभी अपने वक्तव्य में ही सुना अपने डिबेट में ही सुना तो कनेक्शन किसका है ये आपको समझ में आ जाएगा। जी मुझे मालूम है आज बाजी बड़ा हल्ला हुआ लेकिन